नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर से रिलेटेड आज मैं 10 सवाल इसमें एमसीक्यू में ले रहा हूँ। इससे भी पहले बहुत सारे एमसीक्यू हमने पूछे गए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे दे दूंगा, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, और हमारा एग्जाम्पल ये रहे, पहला है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा है हमारा स्कैनर और चौथा है प्रिंटर। ये पढ़ते वक्त ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा जो समय आपको मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है प्रिंटर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके ऑप्शन ये रहे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शंस है, पहला रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एंड मॉडिफाई, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको इसमें से सही जवाब देना है, आप समय ले सकते हैं। तो इसमें एक एक्चुअली क्या हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं सही आंसर के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर मैंने डी डिनोट किया है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नीचे दी गई जो चार ऑप्शन रहेंगी उसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है आपको आइडेंटिफाइड करना है। तो हमारे चार ऑप्शन ये रहे, पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा C++, उसके बाद में एडोब फोटोशॉप, उसके बाद में पावर पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी C++। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, हमें URL का फुल फॉर्म बनाना है, तो URL का फुल फॉर्म क्या है आप बताइए इसमें। तो सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर यहाँ पे अभी तक पार्ट जो सवाल देखे हैं इसमें मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके चार ऑप्शन ये रहे और इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो एंटीवायरस है उसके सॉफ्टवेयर के क्या फंक्शन है? टू क्लीन द हार्ड डिस्क, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो इसका क्या एंटीवायरस का क्या मेन फंक्शन होता है? तो उसका सही आंसर है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस, जो कंप्यूटर में वायरस आते हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारा एंटीवायरस का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद में व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका पर्पज क्या है, ये आठवां क्वेश्चन है हमारा और उसके ऑप्शन ये रहे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टू क्रिएट एंड एडिट स्प्रेडशीट। उसके बाद में हमारा नौवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के कौन से एग्जाम्पल्स है? तो इसका सही जवाब है गूगल ड्राइव, जो कि गूगल ड्राइव में हम हमारे जो शीट्स वगैरह है ये क्लाउड स्टोरेज के ही एग्जाम्पल है। इसके लिए कोई फिजिकल ड्राइव हमें नहीं लेना पड़ता है, डिवाइस नहीं लेना पड़ता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सके, तो ये क्लाउड स्टोरेज पे हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो ऑप्शन 10 है हमारा, क्वेश्चन 10 है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का क्या पर्पज है? तो ऑप्शन ये रहे और इसका पर्पज है ऑप्शन डी, टू स्टोर टेम्पररी डाटा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर, और सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है? तो ऑप्शन ये रहे। तो ये सवाल आपके लिए था क्योंकि आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें पूछेंगे, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में इसी एमसीक्यू के साथ में या किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।